Friends, it's Ritvika here, and today in this video I am going to preview the India versus Pakistan match. ये वीडियो मैं हिंदी में करने वाली हूँ, और तो चलिए देख लेते हैं कि उन लोगों ने कैसा प्रदर्शन किया अपने फर्स्ट गेम्स में। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मतलब ठीक ठाक प्रदर्शन था, उतना अच्छा नहीं था, बहुत कुछ नहीं क्लिक किया, मतलब उन लोगों का बैटिंग का ऑर्डर ही ठीक नहीं था। और दूसरी बात उन लोगों ने मतलब सही प्लेयर्स नहीं खिलाए, हरलीन को खिलाया, उसकी जगह सेहराना को खिलाना चाहिए था, मतलब वो तो एक नो ब्रेनर है। सेहराना का कोई कैसे मतलब नहीं खिला सकता है, वो बहुत ही अच्छी प्लेयर है, कैन बोल इन क्रूशियल ओवर्स, तो डेफिनेटली वो तो एक बहुत ही बड़ी चूक थी। और अगर हम बात करें इवन कीपिंग की तो उन लोगों ने यस्मिता को 3 पर खिलाया, और वो एक्चुअली बहुत ही ख़राब डिसीजन था। उन लोगों को एक्चुअली नहीं खिलाना चाहिए था यस्मिका एक सूटेबल बैटर नहीं है T20 के लिए, उससे बेहतर तो तानिया को खिलाते। तानिया मतलब वो तो खेल ही रही है इंडिया के लिए लोअर ऑर्डर, तो वो एटलीस्ट वो जानती है, तो उसको और वो एक अच्छी एक बेहतर कीपर है, हमारी बेस्ट कीपर है, तो कोई खिलाने का मतलब अगर पहले क्या होता था, वो रिचा को खिलाते थे क्योंकि रिचा एक बहुत ही अच्छी बैटर है, तो वो कीपिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। पर यस्मिका कोई इतनी मतलब कोई इतनी धाकड़ कोई बैटर नहीं है कि वो चेंज कर दे मोमेंटम, तो स्पेशली इन T20, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। और हरलीन को जो खिलाया, और इवन वो बैटिंग ऑर्डर में भी बहुत ही प्रॉब्लम था, क्योंकि ओपनिंग तो ठीक था, मंदाना को थोड़ा ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा क्रीज के ऊपर, वो एक प्रॉब्लम था। और शफाली ने अच्छी खेली, पर उसको वो पारियों को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, वो भी एक बहुत ही प्रॉब्लम था। 48 पर वो आउट हो गई, और उसके बाद 3 पर यस्मिका को खिलाया, वो तो एक बहुत ही बड़ी भूल थी। और 4 पर आई दिन 4 पर आई हरमनप्रीत, और मतलब हरमनप्रीत तो मतलब स्पिन को खेलना है इसलिए वो पहले आती है, पर एक्चुअली जेमिका जो स्पॉट है वो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और वो एक अच्छी खिलाड़ी है फॉर टॉप फॉर फर्स्ट 10 ओवर्स, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। शी इज़ नॉट अ प्लेयर टू प्ले इन द आफ्टर 10 ओवर्स, क्योंकि वो कोई मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर सकती, उसको टाइम चाहिए क्रीज पर, तभी वो आई मीन बोथ हरलीन एंड जेमी आर दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स, उन लोगों को समय बिताना पड़ता है तभी वो क्रीज पर जंप आते हैं, और वो फर्स्ट बॉल से नहीं अटैक करते। हरमन भी वही है, हरमन भी मतलब थोड़ा बॉल्स तो खेलती है, पर हाँ इस साल उनका फॉर्म मतलब थोड़ा ज़्यादा ही क्रेजी है, पर वो भी एक स्लो स्टार्टर ही है। वो श्रीलंका में भी ऐसे ही काइंड ऑफ नॉक्स खेले, और एक्चुअली इस नॉक भी वैसा ही हो रहा था, पर वो लास्ट में अच्छा कैपिटलाइज किया, और वो बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंटम ही चेंज कर दिया, तो वो सिक्सर तो बहुत ही अच्छा था। एंड सो इसलिए आई मीन हरमन का पोजीशन तो ठीक है, पर 3 पर अगर मेघना नहीं खेल रही है तो डेफिनेटली जेमी को खिलाना चाहिए, और आई फील इवन 4 पर जेमी को खिलाना बेहतर है देन हरमन प्रीत को, मतलब थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज आई फील करना चाहिए, पर ये सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर ज़्यादा विकेट्स गिर गए तो आई फील जेमी को पहले आना चाहिए, और अगर विकेट्स नहीं गिरते तो देन आई थिंक हरमन आ सकती है 10 ओवर्स के बाद, तो दैट विल बी बेटर। एंड बॉलिंग की अगर बात करें तो रेणुका का क्या कहना है, हम लोग तो बस रेणुका को देखते रह गए, क्या कर रही थी, मतलब वो हीली का विकेट लिया, देन मेग लैनिंग का विकेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो पॉइंट पे जो उन्होंने मतलब प्लेयर्स तैनात किए थे वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, मतलब प्लान वो एक्चुअली पॉइंट में बहुत ही अच्छी खेलती है, मतलब वहाँ पर अगर 11 प्लेयर्स को भी आप रख दो तो वो मतलब खेल लेगी वहाँ से, सो एक्चुअली दी प्लान वेल एंड एग्जीक्यूटेड, एंड ऑल्सो मतलब रेणुका ने भी अच्छी बॉल की, और राधा ने भी अच्छा कैच लिया वहाँ पर पॉइंट पर, सो डेफिनेटली वो एक्चुअली क्लिक वेल दैट वन। एंड सो एंड देन मगरा का विकेट तो बेस्ट था, इवन मूनी का, मतलब मूनी और मगरा का विकेट लेना कोई आसान बात नहीं है, वो लोग तो जैसे मतलब विकेट देते ही नहीं। और उसके बाद दीप्ति ने बहुत अच्छा किया, हेन्स को आउट किया, मतलब वो मेरी फेवरेट है, और हेन्स को मतलब हेन्स भी मतलब अगर विकेट पे आ जाती है तो बस जम जाती है, पर उसका भी वो उसने विकेट ले लिया, सो इट वॉज रियली आई मीन अमेजिंग इट वॉज टू सी।
दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड सो मतलब वहाँ पर ही बस सब कुछ ख़त्म हो गया। ग्रेस हैरिस आई, गार्डनर आई, वो लोग उन्हें मतलब नहीं बैटिंग पाते एक्चुअली, वो बैटिंग का मौका नहीं पाते। और देन मतलब उन्होंने दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम को कि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैटिंग नहीं कर पाते, तुम लोग तुम टॉप ऑर्डर बैटर की वजह से, बट क्या कर सकते हैं हम देखो। और ग्रेस हैरिस ने दिखा दिया वो जो रॉ पावर है उनमें, वो बहुत ही अच्छा, मतलब कितनी आसानी से वो जस्ट रोप को क्लियर करती हैं। और इंडिया ने मतलब वो रन रेट को ना मतलब डॉट बॉल्स का प्रेशर नहीं बना पाई, और वो आराम से दो तीन बाउंड्रीज तो हर ओवर में लगा रहे थे। तो इवन 55 से 5 के बाद भी वो ये जो रिकवर कर पाए, बस वो एक डेप्थ दिखाती है। अलाना किंग भी आकर वो मतलब धो रही थी काइंड ऑफ। तो एश गार्डनर एक्चुअली थोड़ा मतलब शी कुड गॉट आउट, एक्चुअली शी कुड गेट आउट, बट हैरिस ने वो संभाला। हैरिस ने वो जो मतलब जो अटैकिंग गेम खेला वो एक्चुअली गार्डनर को हेल्प किया, एंड देन गार्डनर ने वो ओनस ले लिया जब हैरिस आउट हो गई। एंड देन किंग ने भी साथ निभाया और देन मतलब फिनिश किया गेम को, बिकॉज जेस जोनाथन का भी विकेट लिया दीप्ति ने। सो बट आई मीन मेघना का तो ये फर्स्ट गेम था, एंड आई डोंट गेट द ऑब्सेशन अराउंड मेघना एंड राधा एक्चुअली। आई मीन पूनम इज स्टिल अ बेटर बॉलर, एंड ऑफकोर्स सिमरन दिल बहादुर हु इज़ अ मच मच बेटर T20 पेसर। सो वो क्यों नहीं खिलाते मुझे नहीं समझ आता। और रेणुका ने तो अच्छा ही किया, मतलब बेस्ट किया। और राजेश्वरी भी फॉर्म में नहीं थी, पर फिर भी उनके पास वो एक्सपीरियंस है और उन्होंने उनका कोटा नहीं पूरा किया। सो इट वाज अनदर शॉकिंग थिंग दैट वाज मतलब राधा को ले आए पर राजेश्वरी को नहीं ले आए। तो मतलब वो मेघना और राधा का जो दो ओवर थे वही एक्चुअली मतलब पूरा गेम को मतलब उन्होंने अपने साइड पर ले लिया। तो यस दे आर मतलब अब जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो गेम होने वाला है वही एक्चुअली मतलब डू और डाई गेम है फॉर बोथ द टीम्स ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बारबेडोस से हार कर आ रही है। तो वो भी एक बहुत ही एक मतलब क्या ही कहें, वो भी तो मतलब उन लोगों की बॉलिंग तो ठीक ठाक थी, पर फिर भी हेली मैथ्यूज और नाइट ने जो इनिंग्स खेली मतलब वो तो मतलब पार ले गई, मतलब जो एक्चुअली पाकिस्तान नहीं चेस कर सकती वो एक पार स्कोर तक वो ले गई। और उन लोगों के पास बहुत ही अच्छे बॉलर्स थे, शमिलिया कॉनल तो मतलब बहुत ही अच्छे रिदम में है इस साल, मतलब बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रही है इन एवरी फॉर्मेट। तो वो एक चूक हो गई एक्चुअली, मतलब सो दैट वाज एंड ऑफकोर्स देयर बैटिंग इज रियली पैथेटिक। मतलब मुनीबाली भी नहीं कुछ कर पाई, और आई थिंक आयशा नसीम को लाना चाहिए, मुनीबा और आयशा को टॉप मतलब एकदम ओपनिंग में लाना चाहिए और वो पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहिए, बट वो लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम मुनी मतलब आयशा को एकदम लास्ट में भेज रहे हैं, और उसका क्या फ़ायदा होगा। आलिया रियाज भी फॉर्म में नहीं है, और वो भी डॉट्स पे डॉट्स खेल रही है, मतलब वो लोग केयर ब्रेक में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। निदादारी एक ओनली होप है, जो एक एक्चुअली एक अच्छी प्लेयर है टी ट्वेंटी की तरह खेलती है। आयशा नसीम भी वही एक प्लेयर है। डायना बेग एंड साना फातिमा साना को भी आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए बैटिंग में। आलिया रियाज को आई थिंक आलिया रियाज एक बहुत एक बर्डन हो गई है, वो बॉलिंग भी नहीं कर रही है और बैटिंग में भी उतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं कर रही है, उतना फॉर्म उनका नहीं है। तो दिस इज गेटिंग लाइक मतलब ये बर्डन हो रहा है, और कैप्टन हरसेल्फ ऑल्सो एक बर्डन हो रही है। वो तो मतलब रन्स तो बना रही है, पर कितना बॉल ले रही है वही एक एक्चुअली सवाल है। मतलब उनको तो जो थर्टियार्ड का जो रिंग है वही एक्चुअली वो क्लियर नहीं कर पा रही है, तो कैसे चलेगा, मतलब वही एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है। तो I mean, her game is also very outdated. So, I mean, they need to be more. I mean, they have to accept that who can play the T20s and who are not. So, at least make the batting order like that and promote those players who can play the game like the T20 game like that. So, India ke against crucial hoga, but
यू नो लास्ट टाइम जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप मतलब ODI वर्ल्ड कप में, उन लोगों का बॉलिंग बहुत ही अच्छा था। अनम अमीन, निदादार ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, और इवन डायना बेग ने भी अच्छी जो ब्रेक थ्रू दी थी। तो इसलिए वो एक मतलब ये ना, ये क्लैश एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है, क्या होगा पता नहीं। तो मतलब जीतना ही है, वो एक प्रेशर होता है ये इस गेम में। एंड T20s में तो मतलब दो बार हरा चुकी है पाकिस्तान, वो भी T20 वर्ल्ड कप में 2016-2012 में। तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान का कुछ खोना नहीं है, सिर्फ पाना ही है। बट इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से हार चुके, एक क्लोज मैच जो वो जीत सकते थे, पर बस कुछ खराब प्लानिंग की वजह से, खराब बॉलिंग की वजह से वो नहीं जीत पाए। हाँ मतलब उन लोगों का स्कोर तो खराब ही था, मतलब 154 वो कोई स्कोर नहीं होता अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया। मतलब एटलीस्ट 165 अप तो होना ही था, होना चाहिए था, और 170 एटलीस्ट। बट स्टिल दे गॉट द गेम इन देयर हैंड्स। बट बॉलर्स ने तो, बट जो 12 ओवर्स थे बाकी बॉलर्स के, 8 ओवर्स तो ठीक थे, 4 ओवर्स दीप्ति के, 4 ओवर्स रेणुका के, बट उसके बाद तो मतलब पूरा गेम ही उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, बोथ द टीम्स आर वो दोनों ही टीम हार करा रही है, और बहुत कुछ दाव पे होगा इस गेम पे। तो ऑफकोर्स इंडिया को जीतना चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है। नर्वसनेस और पाकिस्तान का जो स्विंग बॉलिंग वो भी एक अच्छी है, और क्या ही कह सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, कुछ कह नहीं सकते। तो लेट्स सी, दैट इज़ माई प्रीव्यू, एंड सो देखते हैं कल का मैच।